या उसके पीछे बात करोगे। सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं होती है, लोग पीछे ज्यादा बोलते हैं। सामने आके बोलो, फेस करो, और अगर आपके लाइफ में उस चीज से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो बोलो, राइट। ऐसे तो हम बहुत इक्वलिटी की बात करते हैं, बट क्या होता है एंड ऑफ द डे ना, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हम हमारे चैनल से कि अगर एक न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, बच्चा है, तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द वुमन इन द हाउस। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किचन का भी करूँ, ऑफिस भी करूँ। और अगर एक मेल मेंबर किचन में काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किचन का काम करता है। सो कहा इक्वलिटी की, जो इतनी बड़े बड़े लेक्चर देते हैं लोग, कहा गई इक्वलिटी। सो अभी आज है संडे, संडे क्या आज डेट क्या है? डेट है 29 संडे 29th। और टाइम हो रहा है 3:29 साढ़े तीन बजे हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। डेट उसके बाद है, डेट वाला टाइम आया। हाँ, तो साढ़े तीन बजे हम लोग ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। हाँ, टीवी पे भी आ गया है, 3:30 हो रहा है। और हमने ब्लॉग अभी शुरू किया है क्योंकि हम दोपहर भी नहीं है, ये इवनिंग होने जा रहा है। अभी हमने लेट इसलिए शुरू किया क्योंकि हम आज बहुत लेट उठे हैं सो के से ही। चाय कॉफी, आज हमने चाय उससे कॉफी पिया है। चाय उससे कॉफी, आप कमेंट करना कि मेरा कल का ड्रेस कैसे लगा जो मुझे देव ने दिया। हाँ, जो देव ने साड़ी वो माँ का, कल हम पूजा में गए थे ना, तो मैं एक बात बताऊँ। हाँ। उनके घर पे ना पूजा हुई थी, तो सुबह ना हम लेट हो गए थे, तो सुबह उनका पूजा हुआ था। तो सुबह मुझे जो साड़ी दी थी वो काली माता ने पहले मैंने पहना था, उसके दोपहर में मैंने पहना था क्योंकि मैं काली माता बनती हूं। तो वो पहन के कल भी हम रात को, कल का ब्लॉग भी क्लोज नहीं किया है बिकॉज कल रात को भी थक गए थे, फिर सो गए थे हम लोग। और आज भी लेट उठे हैं। आदिया ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, हमने भी एग्स खा लिए थे बहुत सारे बनके। एंड लंच हमने आज किया नहीं है बिकॉज हमारा तो पेट फुल है। आद्या का लंच नानी ने भेजा है, ये दाल राइस है और ये फिश फ्राई है। इसमें से एक मैं खाऊंगी, मुझे ये बहुत पसंद है। फिश का टेल मुझे पसंद आता है ना, फिश का टेल मुझे। हाँ, तो अभी ये खाएंगे आद्या और हम पीस खाएंगे, और उसके बाद आज का क्या है सीन। एज यूजुअल हमारा दूध फट गया फिर से। oh, no! एक्चुअली कल दूध मंगा के बाहर थोड़ी देर रह गया था ना, सुबह मैंने उबालने गई तो फिर दूध फट गया, और बहुत चाय पीने की, कॉफी पीने की मन करी थी, चाय पीने की मन करी थी, फिर हमने चाय उससे, चाय नहीं कॉफी मंगाई, कॉफी फिल्टर कॉफी बहुत अच्छा था। ओके चलो आद्या खा लो फिर। फिल्टर वाह 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 वाह, क्या बोलना चाहते हो। चलो खा लो आद्या, बहुत लेट हो गया आज। खाना वाना खा के आद्या को योगर्ट लेना था। आद्या बेड पे गिराया आपने बेटा, ऐसे लेट के कौन खाता है? गिराया ना आपने बेड पे, फिर देखो ये साफ कौन करेगा अभी? क्यों किया आपने ऐसा? मैंने कितनी बार बोला लेट के मत खाया करो यार। और आद्या ये कपड़े सूख गए हैं, आपके कपड़े सारे के सारे फोल्ड कर लो, हेल्प कर दो, और वो थोड़ा सा पानी से साफ कर दो वहाँ पे। तो आद्या ने सारे कपड़े देखो अपना ठीक करके फोल्ड करके अंदर रख दिया ना आपने। ये क्या है, एक्साइटेड हो गई, ये क्या पोज करते हो हमेशा? पानी पी ले जा, पानी दे दो उसको थोड़ा। उल्टी साइड से चुप चुप, गंदी बात नहीं, पानी दो उसको, ठंडा पानी दो। पता नहीं आज ना मुझे बिल्कुल मन नहीं करा ब्लॉग करने का, मैं इसलिए एक बार भी कैमरे में भी नहीं आई। कर तो रही हो, पता नहीं मैं डालूंगी भी नहीं डालूंगी, मुझे कुछ पता नहीं है आज का, बस मैं ब्लॉग कर रही हूँ। होता है ना कोई कोई दिन की बस मन नहीं करता, आज वही दिन है, मैं तो मैं बस कर रही हूँ आद्या के लिए, बिल्कुल आज एकदम मन नहीं कर रहा। करूँगी बात करूँगी कभी। आजा सिम्बा पानी पी ले, आओ, इनकी लाइफ ही अच्छी है पता है। हम जो इंसान होते हैं ना, इंसानों के लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, कुछ अच्छा करोगे तो भी प्रॉब्लम, कुछ बुरा करोगे
तो भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम। मतलब कि अपनी जिंदगी छोड़ो, दूसरों की गलतियां निकालो। इट्स रियली फनी, एक्चुअली बहुत फनी है, बहुत फनी है ना सिम्बा? तू ही अच्छा है, सबसे अच्छा तू ही है। वैल्यू तो करता है ना, वैल्यू तो करता है। इंसान इंसान की वैल्यू कभी भी नहीं करता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको ये चीज़ मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है जिनको बहुत लकी है ना? हम तो लेकिन मस्त रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो बोलना है बोले, वी डोंट केयर। तुमको कितना बाकी है? उस दिन आपने कितने पेजेस लिखे थे? 5 pages हो गया। परसों से आपका ट्यूशन भी है, ट्यूशन भी जाना है। बस 1 month है, उसके बाद आपका स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और रूटीन ठीक हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30। ये जो टीवी है ना हमारा, ये ना सुबह जब भी हम उठते हैं गुड मॉर्निंग, तभी ये टीवी ऑन हो जाता है, और जब हमारा गुड नाइट होता है तब ये टीवी ऑफ होता है। पूरा दिन ऑन रहता है ये, चाहे कोई देखे ना देखे। और सिर्फ इस टीवी में हमारा क्या चलता है पता? ये चलता है हमारे टीवी में पूरा दिन, जब जिसको जो मन किया वो लगा लिया। हमारे टीवी में रे 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 रे, नेटफ्लिक्स में नहीं चलता, डिज्नी हॉटस्टार में नहीं चलता, और प्राइम प्राइम वीडियो में नहीं चलता, कुछ भी सिर्फ नहीं चलता। ये चलता है, ये चलता है, इस पे जो देखना है लगाते हैं, जो हमारा फेवरेट है। हाँ। सो अभी शाम हो चुकी है और इट इज 8:00 नाउ। आद्या अपना होमवर्क फिनिश कर रही है, शो 48 पेज तक करना है, नहीं 46 तक ही करना है। ओके, सो ऑन दैट नोट मैं आई हूँ जिस ब्लॉग आज क्लोज करने के लिए। पता नहीं आज का ब्लॉग मैं डालूंगी भी नहीं डालूंगी, मुझे नहीं पता, मैं बस ब्लॉग करके रख रही हूँ। है थोड़ा सा मूड ऑफ भी नहीं है, थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था आज एक्चुअली ब्लॉग करने का। होता है ना, एवरी डे यू कांट हैव द सेम मूड, तो डेली नहीं हो सकता है ना, कभी ना कभी मूड थोड़ा सा हो भी सकता है। ऐसे मूड नहीं अच्छा है, आज मन नहीं कर रहा था, जो मैंने बोला है ना कुछ चीज़ें है। एक्चुअली सुबह हम लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे तो कोई बात ऐसी छिड़ गई जिसकी वजह से, मतलब ऐसा है ना आजकल लोगों को, क्या बोलूँ मैं, आप अगर कुछ अच्छा करोगे ना तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम होती है, और आप बहुत कुछ करते हो तो भी प्रॉब्लम होती है। सो इन शॉर्ट, इंसान ही इंसान के सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, मेरे को तो वर्ड ही नहीं मिल रहा है। खैर जो भी है, आद्या हंस रही है कि मम्मी लेक्चर दे रही है। तो बात एक्चुअली ये है ना कि आप अगर खुद कुछ चीज कर नहीं सकते हो ना, और कोई और ये चीज कर रहा है, ओके, सो आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप उस वो चीज के केपेबल नहीं हो या आप वो कर नहीं सकते, ओके? आप क्या करोगे, अगले इंसान को डिमीन करने की कोशिश करोगे। आजकल ऐसे ही चल रहा है, मैं देखती हूँ आसपास, आप लोगों के साथ शायद नहीं होता होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी हो, लेकिन बस में नहीं है करना चीजें। बट एट द सेम टाइम कोई और अगर करता है उसको पॉजिटिव नहीं देखोगे, उसको पुल डाउन करोगे, या तो पॉइंट आउट करोगे, या उसके पीछे बात करोगे। सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं होती है, लोग पीछे ज्यादा बोलते हैं। सामने आके बोलो, फेस करो, और अगर आपकी लाइफ में उस चीज से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो बोलो, राइट? सो ज्ञान बहुत हो गया है, पूरा दिन बोला नहीं है ना मैंने, इसीलिए बोल दी। आद्या तो बहुत अच्छी हो गई, आद्या मुझे बहुत हेल्प करती है, बहुत। क्या बोलो कि क्या बोलो, सच्ची में क्या बोलो। बट हाँ, ये मेरा रिएक्शन भी नहीं है। आई थॉट कि ये टॉपिक आज सुबह बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस बारे में बात किया जाए। सो वही बात है, ऐसे कुछ सीरियस मैटर नहीं है, बट या थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कशंस होते हैं तो लगता है ना कि कहाँ, मतलब कल मंडे है, फिर से रूटीन शुरू है, काम शुरू है सबका। एंड या एक और मैसेज है कि जब दोनों वर्किंग होते हैं ना फैमिली में, तो मिल बांट के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक बस एक ही बंदा कर रहा है, आई बीइंग, ऐसे तो हम बहुत इक्वलिटी की बात करते हैं, बट क्या होता है एंड ऑफ द डे ना हमारी सोच पे डिपेंड करता है। सो यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हम हमारे चैनल से कि
अगर एक न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, बच्चा है, तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द वुमन इन द हाउस। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किचन का भी करूँ, मैं ऑफिस भी करूँ। और अगर एक मेल मेंबर किचन में काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किचन का काम करता है। सो कहा इक्वलिटी की, जो इतनी बड़े बड़े लेक्चर देते हैं लोग, कहा गई इक्वलिटी। सो बहुत सारी चीजें ना, बहुत लंबी चौड़ी आज डिस्कशन हुई, तो मेरी सब चीजें थोड़ी हर जगह से आ रही है। सो इसी के साथ ब्लॉग को क्लोज कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, एंड इफ यू आर वॉचिंग अवर ब्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय।